अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो है रिलेटेड टू पेडागोजी एमसीक्यूज हैं। तो देखिए, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस या पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी कि इन में ये आपके पास एमसीक्यूज आए हुए हैं पहले, ठीक है। यानी कि पंजाब के नोट्स में से ये मैंने उठाए एमसीक्यूज, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी पीएससी हो, एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, एजेकेपीएससी हो, या आपके पास एसपीएससी हो, या एनटीएस हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें आपके पास पेडागोजी के एमसीक्यूज आते हों, तो ये आपकी हेल्प करेगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, तो देखिए फर्स्ट में क्या कहता है। फर्स्ट में कहता है कि ओनली क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इज कॉल्ड, ठीक है। कहता है ओनली क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की जो है सिर्फ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन जो है उसके बारे में कह रहे हैं लर्निंग, ठीक है। स्टूडेंट्स लर्निंग की जो आपके पास क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है, कहता है उसको क्या कहते हैं, इस कार्ड उसको टेस्टिंग कहेंगे, मेजरमेंट कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं, या जजमेंट कहते हैं। फर्स्ट तो देखें, आपके पास जो सिर्फ ओनली क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव हो, यानी कि क्वालिटेटिव ना हो जिसमें इन्वॉल्व, ठीक है, सिर्फ क्वांटिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी में उसको मेजर करना हो, ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको हम स्टूडेंट्स की जो मेजरमेंट है उसको हम उसको मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट जो है उसको हम क्या कहेंगे, मेजरमेंट कहते हैं, जिसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन हो, क्वालिटेटिव ना हो, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर टू है, जिसमें कहते हैं इफ वन वॉन्ट्स टू नो द यूजफुलनेस ऑफ बीएड प्रोग्राम इट शुड गेट दिस प्रोग्राम, ठीक है। कहते हैं कि If one wants to know, एक कोई जानने यानी कि जानने की कोशिश करता है या जानता है, wants to know, wish करता है जानने की कि usefulness of B.Ed program की usefulness, it should get this program, कहते हैं इसको assessed कहते हैं, analyzed कहते हैं, evaluated कहते हैं, या monitor कहते हैं, ठीक है। तो टू का आपके पास आ जाएगा, इसको इवेल्युएशन के इवेल्युएट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें कहता है एवरी स्कूल इज ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड अकॉर्डिंग टू अ, हर एक स्कूल के बारे में कह रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड है, ऑपरेटेड है एंड एडमिनिस्ट्रेटेड है अकॉर्डिंग टू अ फिलॉसफी ऑफ टीचिंग, अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी ऑफ गाइडेंस, या अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी ऑफ लर्निंग। थर्ड का आ जाएगा आपके पास ये अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि हर एक स्कूल जो है वो अकॉर्डिंग टू एजुकेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर तो फोर में देखें क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है अटेंशन मस्ट बी गिवन टू द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल्स बाय द टीचर्स टू मीट, ठीक है। अटेंशन हो, मस्ट हो किसकी तरफ, गिवन टू द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल्स के बारे में कह रहे हैं बाय द टीचर्स टू मीट। कहते हैं उसको सोशल नीड्स कहते हैं, लर्नर नीड्स, एजुकेशनल नीड्स, या कल्चरल नीड्स, ठीक है। फोर तो फोर का आपके पास आ जाएगा, उसको डेफिनेट बात है कि वो जो आपके पास आगे बच्चे होंगे लर्नर, जो लर्निंग कर रहे होते हैं, लर्नर नीड्स में आता है वो, ठीक है। यानी कि आपके पास ये लर्निंग मटेरियल जो होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर फाइव है, इसमें कहता ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट 1959 इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन वर एस्टेब्लिश एट टू यूनिवर्सिटीज टू ले डाउन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूस, ए कहता है रिसर्च, बी एजुकेशन, सी ट्रेनिंग, या डी स्टडी। तो फाइव का आपके पास आ जाएगा ये रिसर्च के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सिक्स, इसमें कहता है एग्जीबिशन ऑफ साइंस फेयर्स प्रोमोट्स स्टूडेंट्स एबिलिटी ऑफ नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन, या हायर ऑर्डर स्किल्स, या आपके पास है लोअर ऑर्डर स्किल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो सिक्स का आपके पास आ जाएगा
बी कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 में कहता है टोटल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर हैविंग एग्जैक्ट आइडिया इज थ्रू क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है, टीचर डायरी है, एग्जामिनेशन रिकॉर्ड है या को करिकुलर रिकॉर्ड है। ठीक है, 7 तो कहते हैं टोटल रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट का टोटल रिकॉर्ड फॉर हैविंग एग्जैक्ट आइडिया इज थ्रू, तो वो आपके पास क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 को हम देखेंगे। 8 तो 8 को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कमीशन रिपोर्ट 1959 मेड रिलीजियस एजुकेशन कंपलसरी फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन इन स्कूल ऑफ क्रिश्चियन मुस्लिम आर टाइप या फॉरेन बेस्ड। तो उन्होंने 1959 में ये तय हुआ था आर टाइप स्कूल्स में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 9 है, द लिटरेसी सेंटर्स एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 6th प्लान वर रिप्लेस्ड बाय इकरा स्कूल्स, पायलट स्कूल्स, नई रोशनी स्कूल्स या मॉडल स्कूल। तो ये आपके पास हुए थे नई रोशनी स्कूल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 12 है, इसमें कहता है टीचर एक्सप्लेन्स एंड परफॉर्म्स प्रैक्टिकली थ्रू। ठीक है, यानी कि आपके पास एक्सप्लेन भी करता है टीचर्स और परफॉर्म करता है प्रैक्टिकली, वो कौन सा मेथड है। ठीक है, टीचिंग का लेक्चर मेथड कहते हैं उसको, डिस्कवरी मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो जिसमें एक्सप्लेन भी करे और प्रैक्टिकली आपके पास परफॉर्म भी करे टीचर, इस बार डेमोन्स्ट्रेशन मेथड उसको कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 तो 11 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। 11 में कहता है विच ऑफ दीज इज द फर्स्ट एकेडमी ऑफ सोशलाइजिंग द चाइल्ड। ठीक है, कहते हैं चाइल्ड की फर्स्ट सोशलाइज जो एकेडमी है वो कौन सी जगह है। ठीक है, मादर घर में, माँ की गोद या होम, माँ की गोद मादर है या आपके पास होम घर है या आपके पास स्कूल है या सोसाइटी। तो सोशलाइज जो फर्स्ट है वो आपके पास स्कूल ही होता है सोशलाइज। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 12, इसमें कहते हैं एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम आर टू एडजस्ट इन न्यू एनवायरमेंट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पर्सनालिटी, बी बिहेवियर, सी इंटेलिजेंस या डी इंस्पिरेशन। ठीक है, कहते हैं दी एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि सॉल्व को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी आर या एडजस्ट इन द न्यू एनवायरनमेंट या इसको न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना इज द डेफिनेशन ऑफ, वो डेफिनेट बात है इंटेलिजेंस की है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कहता है गाइडेंस वर्कर इज इंटरेस्टेड टू हेल्प इन इंप्रूविंग ए स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स, टीचर प्रॉब्लम्स, सी पेरेंट्स प्रॉब्लम्स या डी इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम्स। 13 तो 13 का आपके पास आ जाएगा ये स्टूडेंट प्रॉब्लम्स जो है। ठीक है, गाइडेंस वर्कर इज इंटरेस्टेड टू हेल्प इन इंप्रूविंग स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स, स्टूडेंट प्रॉब्लम्स जो है उनकी उनमें इंटरेस्ट रखता है गाइडेंस वर्कर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहता है परमानेंट डिफिकल्टीज इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड इन, यानी कि आपके पास किसी भी लर्निंग प्रोसेस में जो परमानेंट डिफिकल्टीज होती हैं, ठीक है, तो उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, कहते हैं किस में, सुमेटिव इवेल्यूएशन में, बी डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन में, सी फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन में या डी कंटेंट इवेल्यूएशन में। 14 तो ये डेफिनेट बात है कि जब प्रॉब्लम्स को परमानेंट प्रॉब्लम्स को डिफिकल्टीज को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन जो होती है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में होती है। ठीक है, इसमें इनके बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, सेल्फ इवैल्यूएशन, क्योंकि ये आपके पास होता है सुमेटिव, ये एट द एंड होता है। ठीक हो गया,
फॉर्मेटिव जो होता है ये आपके पास ये ड्यूरिंग कोर्स होती है, ठीक है, इवैल्यूएशन। और कंटेंट इवैल्यूएशन कंटेंट बेस्ड होती है, और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन डायग्नोज करती है, इट्स मींस कि ये प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करती है। नेक्स्ट आपका 15 है, इसमें कहता है सेल्फ इवैल्यूएशन बाय स्टूडेंट टीचर इन टीचिंग प्रैक्टिस मींस, यानी कि सेल्फ इवैल्यूएशन के बारे में कह रहा है कि बाय स्टूडेंट टीचर इन टीचिंग प्रैक्टिस मींस, इन टीचिंग प्रैक्टिस में कहता है उसको क्रिटिसाइज हिमसेल्फ कहेंगे या appreciates himself कहेंगे या analysis himself कहेंगे या आपके पास replan the lesson कहेंगे, ठीक है। 15 तो 15 का आपके पास आ जाएगा यानी कि self evaluation है, तो definite बात है कि अपने आप को analyze करना, ठीक है, इट्स मीन के सी आ जाएगा, ठीक है, analyzes himself, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है, तो 16 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। सिक्सटीन में कह रहा है इनफॉर्मल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता रहता है ये। तो कहता है इनफॉर्मल एजुकेशन इज जस्ट स्कूलिंग है उसको कहते हैं, टाइम बाउंड है उसको कहते हैं, लाइफ लॉन्ग है उसको कहते हैं, या प्री प्लान होती है 16, ठीक है। तो आपके पास देखिए इनफॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो जस्ट स्कूलिंग होती है, ठीक हो गया, उसमें टाइम बाउंड भी होता है, आपके पास प्री प्लान भी होती है। तो ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन है ये आपके पास लाइफ लॉन्ग होती है, ठीक है, इट्स मीन कि आपके पास ये सी आ जाएगा, मैंने तीनों टेक कर लिए तो सी आएगा, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल में आता है लाइफ लॉन्ग जो एजुकेशन होती है। नेक्स्ट आपके पास 17 है, इसमें कहता है बॉस इज राइट इज द फ्यूचर ऑफ, बॉस इज ऑलवेज राइट, यानी कि बॉस जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, जो भी वो कह रहे हैं वो राइट है, ठीक है। तो कहता है ये किस चीज का फ्यूचर है, ठीक है, ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बता रहा हूँ आपको, या डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे, लाइजिसफेयर एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे, या इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे, ठीक है। 17 तो 17 का आपके पास आ जाएगा जब आपके पास बॉस इज राइट, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट, तो इट्स मीन के अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट 18 है व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान, इनमें से कौन सा लेसन प्लान के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है, ए इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन न्यू टीचर्स, या आपके पास इट हेल्प्स इन ऑर्डरली डिलीवरी ऑफ कंटेंट्स, या सी इट इज डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स, या इट ऑब्जर्व्स हैजर्ड्स इन टीचिंग्स, ठीक है। 18 तो देखिए आपके पास इसमें कौन सा कहता है विच इज नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान, तो डेफिनेट बात है कि इनमें ये भी है, सी नहीं है, क्यों, इट डेवलप्स बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट तो नहीं डेवलप करते लेसन प्लान, ठीक है, तो इट्स मीन कि ये इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास 19 है, इसमें कहता है स्कूल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, स्कूल जो होता है रिप्रेजेंटेटर होता है किसका, सोसाइटी का, एलीट क्लास का, मिडिल क्लास का, या लोअर क्लास का, ठीक है। 19 तो 19 का आपके पास आ जाएगा, डेफिनेट बात है स्कूल में कोई कैटेगरी नहीं होती किसी एक मखसूस तबके या मिडिल क्लास, लोअर क्लास या एलीट क्लास के लिए नहीं होता, बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए, तो इट्स मीन के ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 20 है, तो नेक्स्ट हम 20 को देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। 20 में कहता है, इसमें कहता है लीव इज ऑलवेज अप्लाइड फॉर इन, कहता है कि लीव्स जो स्कूल्स में अप्लाई होती हैं तो वो हमेशा किन में होती हैं, डेज में होती हैं, वीक्स में होती हैं, मंथ्स में होती हैं, इयर्स में। 20 तो 20 का आपके पास आ जाए लीव्स जब भी अप्लाई होती हैं वो हमेशा डेज में, 90 डेज, 10 डेज, 2 डेज, 100 डेज, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट 21 है द वर्ड डीडीओ मींस, ठीक है, ये अक्सर हमारे पास ये स्कूल्स में कहते हैं बुलाना डीडीओ है, तो ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर कहते हैं, इसका एब्रीवेशन यानी कि इसका है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, या डेवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, या डिप्टी डिविजनल ऑफिसर कहते हैं, डीडीओ। 21 तो डीडीओ जो होता है
ये एब्रीवेशन है ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 22, द ऑर्डर्स फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज इश्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम टू गवर्नमेंट ऑफिसेज आर प्रेजेंट इन, कहते हैं हायर अथॉरिटीज जो ऑर्डर आते हैं ठीक है गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, सर्विस बुक में उसको रखे उनको रखा जाता है, ऑर्डर बुक में रिजर्व होते हैं, या एंड बुक ऑफ सर्कुलर्स, या आपके पास कंटिजेंसी रिकॉर्ड्स में, ठीक है। 22 तो 22 का जाएगा आपके पास हमेशा एंड बुक ऑफ सर्कुलर्स में होते हैं, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखने को ए भी मैंने टिक कर लिया, वैसे तो सी आ जाएगा, ठीक है 22 का सी आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है 24, तो 24 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। 22 हो गया, 23 को देखेंगे, फिर 24 को। 23 इसमें कहता है प्रेज एप्रिसिएशन एंड रिवार्ड्स आर द एग्जांपल ऑफ, ठीक है प्रेज एप्रिसिएशन एंड रिवार्ड्स जो होते हैं, यानी कि कोई भी टीचर है या कोई भी चीज है, तो कोई भी बंदा है कहीं पे अच्छा काम करता है तो जरूर उसको रिवार्ड मिलता है, ठीक है। तो कहता है कि ये किस चीज के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फर्ज करते कोई टीचर अच्छा काम करता है तो उसको रिवार्ड या एप्रिसिएशन मिलती है, तो कहता है कि ये किस चीज की एग्जांपल है, गाइडेंस की, नीड की, डायरेक्शंस की, या मोटिवेशन की। 23 तो डेफिनेट बात है जब टीचर अच्छा काम करेगा या कोई भी ऑफिसर अच्छा काम करेगा तो उसको एप्रिसिएशन मिलेगी, तो एक तरह की उसकी मोटिवेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 24, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश इन, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो कब एस्टेब्लिश हुई, तो 1972 में एस्टेब्लिश हुई। नेक्स्ट 25 है, प्री स्कूल एजुकेशन इज गिवन टू, प्री स्कूल एजुकेशन जो होती है वो दी जाती है 3 to 5 years, 4 से 5 years, 5 से 7 years, या आपके पास 4 to 6 years प्री स्कूल एजुकेशन। तो प्री स्कूल एजुकेशन जो होती है 3 to 5 years होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 26, इसमें कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर स्कूल फंक्शनिंग इज, स्कूल को फंक्शन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल कौन सा है, टीचिंग है, टाइम टेबल है, सिलेबस है, या असेंबली है। 26 तो 26 का आ जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है स्कूल में वो आपके पास क्या है, स्कूल को चलाने के लिए वो टाइम टेबल है, टाइम टेबल होगा तो सारी चीजें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 27, अ सक्सेसफुल क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट इज, इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट में कहता है सक्सेसफुल क्राइटेरिया जो है वो टू गेट प्लान टारगेट, टारगेट को कहता है कि टू गेट प्लान टारगेट, यानी कि जो टारगेट किया हुआ प्लान है उसको हासिल करना, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, स्ट्रेस ऑन फ्यूचर परफॉर्मेंस, या पेरेंट्स शेयरिंग। 27 तो डेफिनेट बात है कि उसी वक्त सक्सेसफुल मैनेजमेंट होगी जब जो प्लान सेट किया हुआ है उसको अचीव करना, ठीक है, टू गेट प्लान टारगेट। नेक्स्ट ऑफ 28, PIT इज एन एब्रीवेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशन, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, प्रोविजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, या नन ऑफ दीज, ठीक है। 28 का आ जाएगा ये आपके पास प्रोविजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन होता है, PIT, ये जो है ये एब्रीवेशन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 29, को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं, ठीक है। 29 तो 29 में कहता है, इसमें कहता है कि टीचर रीटीच फीडबैक एंड री फीडबैक इज गेन टू मच इन द टेक्निक मेथोडोलॉजी ऑफ माइक्रो टीचिंग में है, क्वेश्चन आंसर में है, रोल प्लेइंग में है, या टीम टीचिंग, क्या टीचर टीच रीटीच फीडबैक एंड री फीडबैक इज गेन टू गेन हासिल होता है इन मच टू टेक्निक मेथोडोलॉजी, कहते हैं माइक्रो टीचिंग में, क्वेश्चन आंसर में, रोल प्लेइंग में, या टीम टीचिंग में। 29 तो 29 का आपको पता जाएगा ये सब कुछ माइक्रो टीचिंग में होता है, ठीक है। नेक्स्ट 30 है, द प्रोसेस इन विच दी स्ट्रेंथ
एंड वीकनेस ऑफ करिकुलम आर आइडेंटिफाई इज कॉल्ड, ठीक है, जो प्रोसेस होता है स्ट्रेंथ्स और वीकनेस ऑफ अ करिकुलम, करिकुलम की स्ट्रेंथ्स और इसकी वीकनेस जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, वो कहते हैं कंटेंट प्रेजेंटेशन में आता है, कहते हैं इसको, इसमें आता है या स्टूडेंट एग्जामिनेशन में या टीचिंग मेथोडोलॉजी में या इवेल्युएशन में। तो डेफिनेट बात है कि करिकुलम की वीकनेस या स्ट्रेंथ जो है वो आइडेंटिफाई होती है इसके जरिए, इवेल्युएशन के जरिए, इसमें के डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 31 है, ऑन्टोलॉजी डील्स विथ, ऑन्टोलॉजी डील्स करती है वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज को, रियलिटी को, वैल्यूज को या कल्चर को, ठीक है। 31 का आ जाएगा, ऑन्टोलॉजी ऑलवेज डील रियलिटी को डील करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 32, इसमें कहते हैं मोस्ट पॉपुलर मेथड एट ऑल एजुकेशन लेवल्स इज, कहते हैं मोस्ट पॉपुलर मेथड जो है किसमें, सारी ऑल एजुकेशनल लेवल्स में, वो प्रोजेक्ट मेथड है, टेक्स्ट बुक मेथड है, लेक्चर मेथड है या इंक्वायरी मेथड है। 32 का आपके पास आ जाएगा वो लेक्चर मेथड होता है, ये मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है, अक्सर यही राज है। नेक्स्ट आपके पास है 33, टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स, ऊपर भी हमने पढ़ा था कि जिसमें प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करें और एक्सप्लेनेशन भी करें, ठीक है टीचर, तो वो आपके पास डिमॉन्स्ट्रेशन, ये ऊपर भी हमने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, बस आज के लेक्चर में हम ज्यादा की पढ़ते हैं, तो 34 से मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। 100 एमसीक्यूज है इसमें, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आपका लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो इतना देखा नहीं जाता, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे एंड करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में 34 से स्टार्ट करूंगा, तो इंशाल्लाह फिर आगे चलेंगे।